अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जनाब। ये है जी लू, मेन टाउन है, LOOE। तो आपने जैसे प्रोनाउंस करना है कर लें, पर यहाँ पे इसको लू ही कहते हैं। और यहाँ से पलफेरो वो 4 माइल है और पार्क जो है वो सेंटर में था। यहाँ से 3 मील है और आगे पलफेरो 1 माइल। तो ये सामने देखें, ये लू मेन टाउन है। तो ये भी आपको दिखाते चलें, ये देखें बिल्कुल सी साइड है। अभी हम जा रहे हैं लू बे पे और देखते हैं कि वो कैसी है। ये देखें बहुत ही पुराने घर बने हुए यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट गाड़ी जा सकती है। और पहले में तो गाड़ी भी नहीं जा सकती, इतनी तंग स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे। यहाँ पे एटलीस्ट डबल येलो लाइन है, लेकिन जिनके घर हैं उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं आड़ी तिरछी। ये देखें कितनी क्लोज खड़ी की हुई है। ये मिस्त्री लगा हुआ, देखें काम जारी हो सारी है। और इधर कारपेंटर लगे हुए हैं, पेंटर आई थिंक। जी हाँ, धूप में डाले हैं, कैसे डाले हैं डोनो छत के ऊपर कैसे गए हैं, रास्ता तो उधर है। Turn right onto Hannaford Road. अभी ये गलियां छोटी छोटी गलियां हैं, गाड़ी मेरे ख्याल में तो उधर जा नहीं सकती है, लेकिन गाड़ियाँ गई हुई हैं, देखते हैं। ये एनी साइन? नो, सो कैन गो इट मीन। नहीं, यहाँ से नहीं गुजर सकती भाई, रिवर्स निकालना पड़ेगा। साइन कोई नहीं है जी इधर, सो एहतियात कीजिए, नहीं तो रिवर्स जाना पड़ेगा। जैसा कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ से निकल आए हैं, दूसरी तरफ चलते हैं, रास्ता तो निकलेगा, गाड़ियाँ तो यहाँ पे हैं, तो रास्ता तो निकलना चाहिए। सो दिस वे, नो प्रॉब्लम। सो नेविगेशन यहाँ पे फेल है, गूगल बाबा फेल है, इसको कोई पता नहीं है किधर जाना है। तो ये हम निकल आए हैं बे पे, सामने बे नज़र आ रही है और मेन रोड भी है। तो ये पता नहीं कहाँ से निकाल रहा था हमें, चलें कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अभी कार पार्क ढूंढते हैं और कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं प्लीज। ये गाड़ी खड़ी कर दी है जी, पार्किंग मिल गई है और पार्किंग सस्ती है, 1 पौंड घंटा। तो ये है लू बे, ये सामने, ये ऊपर देखें ज़बरदस्त घर बने हुए हैं, ब्यूटीफुल लोकेशन है। चलते हैं दूसरी तरफ, उस तरफ चलते हैं। पानी डेफिनेटली ऊपर आता है, यहाँ पे कुछ सेफ्टी बैरियर लगाए नहीं हुए इन्होंने, कश्तियाँ खड़ी हैं, सो पानी ऊपर डेफिनेटली आता है। गाइस यू ओके? नाइस प्लेस है। ये देखें जी ज़बरदस्त घर बने हुए हैं, सभी का व्यू है जी, क्योंकि पहाड़ी है ना, ऊंची जगह है,
Or, there's not heaps on the island, like that. और सारी स्लोप है इसलिए सभी को लोकेशन मिली हुई है, व्यू सभी का ज़बरदस्त है। और ये कॉर्नवॉल में, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि फर्स्ट टाइम मुझे भी पता चला कि इनका अपना फ्लैग है काले रंग का, ब्लैक विद वाइट क्रॉस। पहले मैंने समझा शायद कोई ये वो क्या कहते हैं उसको, कुछ शोक मना रहे हैं इसलिए इन्होंने काला झंडा किया, लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पे तो नहीं लगा, यहाँ पे तो चारों लगे हैं, यूनियन जैक है, वेल्स है, स्कॉटिश है और इंग्लिश है। फोन वॉल का इधर लगा नहीं, कहीं नज़र आया तो मैं दिखाऊँगा आपको। कुछ जगहों पे नज़र आता है, हर जगह पे नहीं। सो जगह ये भी खूबसूरत है, और यहाँ पे भी आप देखें बेशुमार रेस्टोरेंट्स एंड हॉलीडेज रेंटल यहाँ पे भी हैं। वो देखें बे के किनारे पे हैं सभी, और ठीक है अच्छी जगह है। जब पानी यहाँ पे आए तो फिर ज़्यादा अच्छी हो जाती है, फिलहाल तो पानी नहीं है, सो इसलिए ऐसे लग रहा है। थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही जगह, अगर पानी ऊपर आएगा डेफिनेटली शाम को आता होगा तो ज़बरदस्त हो जाती होगी। ये देखेंगे ज़बरदस्त लोकेशन है इनकी, और अगर पानी हो यहाँ पे, जो कि डेफिनेटली आता है, फिलहाल नहीं है, डजंट मैटर, शाम को ज़रूर आता होगा। ये अभी चल रहा है, यहाँ से नीचे पानी नज़र आ रहा है तो ठीक है, ज़बरदस्त है। ये देखिए ये पानी यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो तो ये सारा पानी यहाँ पे आ जाएगा। धूप निकली है आज तो, शानदार मौसम है, और आज हम जा रहे हैं। कल मौसम ने बड़ा खजल किया, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी, लगे रहे हैं, और मैक्सिमम जितना हो सकता था हमने किया, डिफरेंट जगहों पे गए हैं। ये देखें कार पार्क, ये वाला बड़ा है, मैंने तो सामने पार्क की है, वहाँ पे वो सामने पार्क की है, और ये साइड ज़रा बड़ी है, वही मिला वहीं पे पार्क कर दी। मैंने कहा चलें ठीक है, यहाँ पे तो लगता है टेकवे भी हैं, अपने भी हैं कुछ। ये देखें ब्रिज ग्रिल, और ये पॉपीज, ये तो हर टाउन में ही हैं, यादगार इनके फौजियों की। आगे चलते हैं, आगे शायद टाउन सेंटर भी आ जाए। घर की प्राइस यहाँ पे देखे हैं, सो 425, सो एक्सपेंसिव है, नीली हाफ ए मिलियन प्रॉपर्टीज़। ये देखें ये पास थी, ये वाली ये ट्रेडिशनल पास थी हैं, यहाँ पे कॉर्निश पास थी, ये तो हाफ ए मिलियन, नीली हाफ ए मिलियन ये प्रॉपर्टीज़। आप अंदाज़ा करें अगर कोई अच्छी है, बड़ी ज़र थोड़ी 3-4 बेडरूम होगी तो क्या प्राइस होगी उसकी।
ये देखें जी, एक घंटा पहले यहाँ पे पानी नहीं था तो वाटर लेवल ऊपर आ गया, और एक घंटे बाद ये लबालब भर जाएगा। सुबह का टाइम आई थिंक पानी यहाँ से निकल जाता है और अभी आ रहा है और समंदर की तरफ जा रहा है, ऊपर से आ रहा है वो। पहले उस साइड पे था थोड़ा सा, अभी ये फुल हो गया, लबालब भर गया। अभी वाटर लेवल ऊपर आएगा और रेज होगा, फिर ये बोट्स भी चलेंगी। ये तो सारे पत्थर हैं, सो ये बीच पथरीली बीच है, इधर तो मज़ा नहीं है। हाँ ये है बीच, ये देखें, ये सैंडी बीच है। सो ये लू की बीच है जी यहाँ पे, वंस अगेन लू, एल ओ ओ ई। सो यहाँ पे लू ही कहते हैं, आपने जो कहना कह लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये लू बीच है, मौसम आज ठीक है, अच्छा है, नॉट टू बैड, कभी धूप कभी छाँव लेकिन एटलीस्ट बारिश नहीं है। ये देखें ऊपर व्यू, इस तरफ सारे टाउन है, लू टाउन है, नीचे टाउन सेंटर इधर है, पीछे आबादी है, और ये सभी लोकेशंस जो इनकी हैं ऑब्वियसली सी फ्रंट, ये सभी ये होटल्स और हॉलीडे रेंटल्स हैं। लोकेशन लू की भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे अगर आप वीकेंड गुजारना चाहें तो शानदार जगह है, क्योंकि यहाँ से बाकी जगहें भी इतनी दूर नहीं है, नज़दीक ही हैं। पलपैरो जहाँ पे हम कल गए थे, पलपैरो से बोट चलती है जो सीधा यहाँ पे लेके आती है लू पे, और द चार्ज यू 12 पाउंड, 12 पाउंड में यहाँ आती है, लेकिन वन वे है, वो रिटर्न नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं और यहाँ से बस लें और बस के ज़रिए लू जाएं और वहाँ से बोट लेके आप इधर आएं, बोट सीधी इधर आती है, तो 12 पाउंड वो लेगी, और नाइस ट्रिप होगा अगर इफ़ यू गो बाय रोड एंड कम बैक बाय बोट, तो यहाँ पे आप आएंगे। और इस तरह दोनों काम हो जाएंगे। ये देखें, इस रॉक्स के पीछे रॉक्स ही हैं सारी, और इस साइड पे सारी सैंड है, तो दोनों वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, उधर सारी रॉक, इधर सारी सैंड, और उधर ऊपर टाउन है जो कि ज़बरदस्त है। थोड़े मैं देख रहा हूँ पत्थर हैं सैंड में, लेकिन इतनी बुरी नहीं है जो कल टॉल एंड की थी ना, टॉल एंड तो वो सारी एम ही थी, लेकिन ये मच बेटर है। थोड़ी बिजी भी है और उससे काफ़ी बेहतर है, और थोड़ी बड़ी भी है। गाइस डोंट गो इन, यहाँ पे मसल्स भी निकले हुए बाहर देखें, लेकिन खाली है, सीगल छोड़ते नहीं हैं इनको, जैसे ही ये बाहर आएंगे सीगल खा जाएंगे और शेल रह जाएगा। सो ये सारे शेल पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देखो। तो ये है जी सारा, ये सारा लू है, उधर पलपैरो है, और इस तरफ सामने साउथहैम्पटन है जो ज़्यादा दूर नहीं है, अबाउट 15 माइल है यहाँ से साउथहैम्पटन। और अभी हम जब कॉर्नवॉल से निकलेंगे तो वहाँ पे टैमर ब्रिज है, और यहाँ टैमर ब्रिज पे रास्ते में मैंने देखा था कि वापसी पे लोग जाके जब गुजरे थे वहाँ से, तो दे रहे थे उनको टोल टैक्स, जगह टैक्स, तो वो देखते हैं। अब हमने भी वहीं से गुजरना है और देखेंगे कि क्या चार्ज करते हैं और कितना चार्ज करेंगे, तो वो आपसे शेयर करेंगे। तो ये थी सारी लू बीच,
ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, एंड इफ़ यू लाइक इट यू कैन कम डाउन। चलें, काफ़ी बिजी है ये, तो ये लूप बे के साथ ही है और काफ़ी हसल बसल है यहाँ पे, और देखते हैं कैसा है। ये देखें, सुवेनियर शॉप्स हैं बेशुमार यहाँ पे, बेकरीज हैं, कॉर्निश पास्ट्रीज, और स्टेट एजेंट हैं बहुत, वो हॉलीडे रेंटल भी दे रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ फॉर सेल भी हैं यहाँ पे, लेकिन वेरी एक्सपेंसिव है। ये देखें, ये इंग्लिश फज है फ्रेशली कुक्ड, ये सारी फज है। ये देखें, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि पास्टीज, कॉर्निश पास्टीज यहाँ पे हैं। ये देखें सामने अकॉर्डिंग, और काफ़ी बिजी है ये जगह। वंस अगेन वही तंग स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे, वेरी नैरो स्ट्रीट्स। देखें, एक ही गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी आएगी तो रास्ता नहीं है। ये देखें, ये देखें पेंट अपार्ट यहाँ पे, फोन वॉल में आपने देखा होगा सभी वीडियो में कि यहाँ पे आर्ट को बहुत प्रमोट करते हैं, और यहाँ पे लू में भी ऐसे ही है, एक आर्ट गैलरीज, एंटीक शॉप्स एंड बेकरीज, ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि, ये देखें ये ट्राई करते हैं, आई थिंक ये लेमन कैरमल, ये पास्टीज हैं। ये देखें, आगे से गाड़ी आ गई है और पंगा पड़ गया, अब ये रिवर्स करेगा तो वो आएगा, अदरवाइज। ये देखें ना, अब ये यहाँ पे ऐसे ही है, गाड़ी आ गई तो आप रिवर्स करें, मूव असाइड, अब उसने नो एंट्री में रिवर्स की है तो उसको मसला बन गया। ये इंडोर मार्केट्स भी बनी हुई हैं, ये देखें, ये स्विनियर्स, और ये देखें स्मगलर गॉट। ये देखें, ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है नज़र आ रही है, द ओल्ड गिल्ड हॉल। ये अपनी पुरानी तोप पड़ी हुई है, कैनन, बहुत ही पुरानी है क्योंकि बंद है।
बहुत पुरानी बिल्डिंग है, स्टोन बिल्ड है। आगे चलते हैं। बच्चे यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं और क्रैब मिले हैं छोटे छोटे, तो वही पकड़ रहे हैं। ये आ गई जी मेरी फेवरेट जीप। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं जी, फिशिंग कर रहे हैं। फिश तो कैश नहीं कर रहे, क्रैब मिल रहे हैं छोटे छोटे। वो खुश हैं, खुश हैं तो ठीक है, दैट्स इट। फिश ना सही, क्रैब सही, श्रिंप सही, कुछ भी हो। ताई तंग स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे, देखें जैसे बैक स्ट्रीट्स हैं वैसे ये फ्रंट सीट है। वैसे देखें ये फ्रंट डोर हैं सारे, बैक स्ट्रीट नहीं है, तो बस ऐसे ही है। जो बहुत पुरानी है उस टाइम पे गाड़ियाँ शायद क्या यकीन नहीं थी। तो ये देखें आगे मल्ला, जैसे मल्ला होता है ऐसे है। यहाँ पे देखें यहाँ पे पानी है, वो सामने सील है, खैर पत्थर की बनी हुई है। और ये स्ट्रीट पे एक दो और स्ट्रीट्स हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो कार पार्क की है वहाँ पे उसका टाइम शॉर्ट है। ब्लू टाउन सेंटर से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।